गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे बायो सारोटिनिया। कल हमने डिस्कस किया था और स्टेट प्रयोग और चुंबकीय क्षेत्र। आज हम डिस्कस करेंगे बायो सारोटिनिया। तो देखिए, बायो और सावर्ट दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं। बायो और सावर्ट ने किसी धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया, जिसे हम बायो सावर्ट का नियम में कहते हैं। आपको डायग्राम में देख रहे हो कि एक वाई एक धारावाही चालक तार है, जिसमें विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है और इस चालक के अल्पांश डीएल वेक्टर के कारण स्थिति सदिश आर वेक्टर पर स्थित बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र डी बी वेक्टर है, जिसका परिमाण इस चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती अल्पांश की लंबाई के समानुपाती, अल्पांश सदिश डीएल वेक्टर और स्थिति सदिश आर वेक्टर के मध्य बनने वाले कोण की ज्या के समानुपाती, मतलब साइन थीटा के समानुपाती, और डीएल अल्पांश के केंद्र से प्रेक्षण बिंदु की दूरी आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, क्या हुआ, बायो सावर्ट के नियमानुसार किसी धारावाही चालक के अल्पांश डीएल वेक्टर के कारण आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र डीबी वेक्टर का परिमाण फर्स्ट चालक तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती अर्थात डीबी समानुपाती आई। इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा, अल्पांश की लंबाई डीएल के समानुपाती अर्थात डीबी समानुपाती डीएल। इक्वेशन सेकेंड। थर्ड, अल्पांश सदिश डीएल वेक्टर व स्थिति सदिश आर वेक्टर के मध्य बनने वाले कोण की ज्या के समानुपाती, अर्थात बनने वाले कोण की ज्या के समानुपाती ज्या के
समानुपाती, जगह मतलब होता है साइन थीटा, अर्थात डी बी समानुपाती साइन थीटा। क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ, अल्पांश के केंद्र से अभिष्ट बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अर्थात डीबी व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फोर, क्लियर। अल्पांश में प्रवाही धारा के समानुपाती डीबी समानुपाती आई, अल्पांश के लंबाई डीएल के समानुपाती, अल्पांश सदिश डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के मध्य बनने वाले कोण की जगह के समानुपात, जगह मतलब साइन थीटा। और फोर्थ, अल्पांश के केंद्र से अभिष्ट बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी इतनी आर है तो आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती, तो डी बी व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, क्लियर। इक्वेशन वन टू थ्री व फोर से डी बी समानुपाती आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, या डी बी इक्वल टू के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इक्वेशन फाइव, और निर्वात के लिए के इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई इक्वल टू टेंस पावर माइनस सेवन न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर, या इसकी यूनिट यू भी लिख सकते हमने वेबर पर एम्पियर मीटर, या टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ओके, आता है वैल्यू पुट कर देंगे तो डी वी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर सिक्स, ठीक है। और ये ध्यान रखना, यहाँ म्यू नॉट निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता है, चुंबकीय पारगम्यता है। बायो सावर्ट नियम क्लियर हो गया। बायो सावर्ट ने किसी धारावाही चालक के अल्पांश डीएल के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया, जिसे बायो सावर्ट का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण होगा वो चालक तार के अल्पांश में प्रवाही धारा के समानुपाती, चालक तार के अल्पांश को लिख देता हूँ मैं यहाँ, के अल्पांश में प्रवाही धारा के समानुपाती, अल्पांश के लंबाई के समानुपाती, अल्पांश सदिश डीएल वेक्टर व आर वेक्टर के मध्य बनने वाले कोण की ज्या के समानुपाती, अल्पांश के केंद्र से अभिष्ट बिंदु की दूरी के वक्र के व्युत्क्रमानुपाती। चालक इक्वेशन को एक साथ लिख दिया तो डी बी समानुपाती आई डी एल साइन थीटा और व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर, फिर समानुपाती का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, और निर्वात के लिए इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो म्यू नॉट अपॉन फोर बाई टेन पावर माइनस सेवन न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, या वेबर पर एम्पियर मीटर और टेस्ला मीटर पर एम्पियर। म्यू नॉट निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता, तो के की वैल्यू पुट कर देंगे तो अतः निर्वात के लिए अपने पास आ जाएगा
डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ओके, अब आगे देखो, यदि धारावाही चालक के चारों ओर निर्वात के बजाय कोई माध्यम उपस्थित हो और तो डी वी इक्वल टू आ जाएगा म्यू अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 7, जहाँ म्यू इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर माध्यम की चुंबक शीलता, वैसे विद्युत शीलता पड़ी थी, अब यहाँ आ जाएगी चुंबक शीलता, और म्यू आर इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट, यह आ जाएगी माध्यम की आपेक्षिक चुंबकशीलता या चुंबकीय पारगम्यता। ओके, और फिर आगे देखिए, हम लिखते हैं बायो सावर्ट के, ये बोर्ड एग्जाम में पूछ लेते हैं 1 मार्क्स में, बायो सावर्ट के नियम का सदिश रूप। इस सदिश रूप को हम लिख सकते हैं ऐसे, डी वी वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, या इसको यूं भी लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ये क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन नंबर 8, देखिए डी एल वेक्टर क्रॉस आर केप, डी एल वेक्टर का परिमाण लेंगे, डी एल आर केप का परिमाण लेंगे 1, और क्रॉस क्रॉस बोलता है साइन में, तो आ जाएगा साइन थीटा, नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर, ये आ जाएगा परिमाण लेंगे तो, इसमें परिमाण लेंगे तो आई डी एल आर साइन थीटा, आर से आर कैंसिल, और अपने पास क्या आ जाएगा म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और डी बी वेक्टर की दिशा दक्षिण हस्त के नियम से ज्ञात कर सकते हैं, से डीएल वेक्टर व आर वेक्टर के तल के लंबवत अंदर की ओर होगी। कैसे, देखिए अपने को दाहिने हाथ पे की अंगुलियों को हमने डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, पहले डी एल वेक्टर है तो हमें इस दाहिने हाथ की अंगुलियों को डी एल वेक्टर से आर वेक्टर की तरफ घुमाना पड़ेगा, अंगुलियों घुमाएंगे तो अपना थंब अंगूठा, अंगूठा क्या इंगित कर रहा है, कागज के तल के लंबवत या ग्रीन बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर, ठीक है। अगर ये पॉइंट यहाँ होता, ये तो पी है, अगर पी डेस यहाँ होता और यहाँ इलेक्ट्रिक के सॉरी मैग्नेटिक फील्ड है वो डी बी डेस वेक्टर, तो इसकी डायरेक्शन क्या होती, डी बी वेक्टर
वेक्टर। तो आप देखो इसमें डीएल वेक्टर ये रहा, आर वेक्टर ये रहा, तो डीएल वेक्टर से हमें आर वेक्टर की तरफ पे घूमना है। तो डीएल वेक्टर तो ये रहा इसकी डायरेक्शन, और आर वेक्टर के लिए ये हो जाती है। तो हम डीएल से आर की ओर घूमते हैं तो दिशा कहाँ थी इसकी, ब्लैक इससे ग्रीन बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर। और इस कंडीशन में इसको हम लिखते हैं डॉट से क्रॉस का मतलब है, आप बोलोगे तो कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, और डॉट का मतलब होता है कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर। ठीक है, कागज के मतलब ये, इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए एरो है, एरो की जो टिप है नोक है वो ये रही और उसकी टेल ये रही। अब एरो आपसे अगर दूर जाएगा और इस ग्रीन बोर्ड की तरफ आएगा तो आपको क्या दिखेगा, पीछे से उसकी टेल दिखेगी। टेल दिखेगी मतलब अगर एरो तीर का निशान, तीर आपकी तरफ आएगा तो आपको क्या दिखेगा उसका, उसकी नोक। नोक का मतलब जब तीर ऐसे आएगा तो आपको उसके टेल दिखेगी, इसका मतलब तीर कहाँ जा रहा है, अंदर की ओर, इस ग्रीन बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर। तो अंदर की ओर को डायरेक्शन को हम क्रॉस से, और जब तीर वो आपकी तरफ आएगा तो आपको उसकी नोक दिखेगी, नोक का मतलब डॉट। और बाहर की ओर आ रहा है इसका मतलब दिशा होगी इस ग्रीन बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर। क्लियर बच्चों, तो हमें डीबी वेक्टर की दिशा है उसको दक्षिण हस्त के नियम से ज्ञात कर सकते हैं, जो डीएल वेक्टर व आर वेक्टर के तल के लंबवत अंदर की ओर होगी। ये डीएल वेक्टर रहा और ये आर, तो हमें डीएल से आर घूमना है, डीएल से आर घूमेंगे अपना थंब है वो अंदर की ओर, अंदर के लिए आ जाएगा क्रॉस और बाहर के लिए डॉट। ठीक है, क्लियर। अब देखिए स्पेशल कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन देखिए, यदि बिंदु P, यदि अभिष्ट बिंदु P है वो धारा प्रवाह की दिशा में हो, धारा प्रवाह की दिशा में हो, यदि अभिष्ट बिंदु P धारा प्रवाह की दिशा में हो, ये हमने अल्फांश लिया था डीएल और बिंदु पी है वो यहाँ हो। अब बिंदु पी तो पहले पी यहाँ था, एंगल था थीटा, अब पी यहाँ से यहाँ जाएगा तो एंगल कम होगा। देखो पहले एंगल ये था बच्चों, ये एंगल ये थीटा था, अब पी यहाँ आएगा तो ये एंगल डिक्रीज होगा कम होगा, और जब इसकी सिद्ध में आ जाएगा तब एंगल है जीरो। एंगल जब जीरो हो जाएगा तो इस स्थिति में थीटा इक्वल टू जीरो, थीटा इक्वल टू जीरो, तो डी बी इक्वल टू बताया आपको मैंने म्यू नॉट फोर पाई आईडीएल साइन जीरो अपॉन आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू जीरो। ठीक है, तो धारावाही चालक के अल्पांश के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का मान है शून्य होता है, चाहे वो उसकी दिशा में हो चाहे वो विपरीत दिशा में हो। दिशा में होगा थीटा जीरो, विपरीत दिशा में होगा तो 180 डिग्री, दोनों ही कंडीशन में साइन जीरो साइन 180 की वैल्यू जीरो होती है। तो टोटल तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। क्लियर। सेकंड कंडीशन, जब बिंदु पी धारावाही चालक के अल्पांश सदिश डीएल वेक्टर के लंबवत स्थित हो, अर्थात थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए बच्चों ये अपना अल्पांश है,
ये डीएल वेक्टर, ये पी और ये आर, ये एंगल थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो अपने पास आ जाएगा डी बी इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आइडियल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर, साइन 90 वन, तो डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर बच्चों? और थर्ड देखिए, संपूर्ण धारावाही चालक के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र, तो ये आ जाएगा बी इक्वल टू आ जाएगा डी बी वेक्टर, और ये आ जाएगा म्यू नोट 4 पाई आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ठीक है, ये आ जाएगा पूरे तार के कारण, पहले टुकड़े का निकाल लिया और इसका समेशन कर देंगे तो आ जाएगा संपूर्ण तार के कारण। अगर जहाँ इंटीग्रेशन की आवश्यकता वहाँ इंटीग्रेशन कर देंगे, और जहाँ समेशन का रिक्वायरमेंट होगी वहाँ समेशन कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए बायो सावर्ट नियम और कूलॉम नियम की तुलना। देखिए हमने बायो सावर्ट नियम तो मैंने आपको बताया था अभी, और वो हमने लिखा भी था डी बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और इसको वेक्टर फॉर्म में हमने लिखा था 4 पाई हो रह गया म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल वेक्टर आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, जबकि कोई अल्पांश आवेश है और उस अल्पांश से आवेश मतलब तार है, इस तार पर है आवेश वो एक समान रूप से वितरित है, इसका एक अल्पांश ले लिया, इस अल्पांश पर उपस्थित आवेश है वो डी क्यू है, हमने फर्स्ट चैप्टर के सेकंड चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस किया था, और इसे आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो बताया था मैंने आपको के और डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप, या इसको के की वैल्यू बताई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। देखिए इन दोनों में जो समानता बताएं तो आपको समानता क्या है इनमें, समानता ये है कि दोनों ही में जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र हैं वो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। आप दोनों में देख रहे हो कि यहाँ डी बी है वो व्युत्क्रमानुपाती, और यहाँ देखो आप डी ई व्युत्क्रमानुपाती, ये ना दोनों नियमों में चुंबकीय क्षेत्र व विद्युत क्षेत्र व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। नियम का पालन करते हैं, देख रहे हो आप डी बी व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर और डी ई व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर, तो दोनों ही व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं।
और दोनों ही क्षेत्र हैं वो सदिश क्षेत्र हैं, लेकिन इनमें अंतर क्या है वो देखो आप, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनमें अंतर देखो। बायो सावर्ट नियम में जो चुंबकीय क्षेत्र का जो स्रोत है वो है धारावाही अल्पांश, धारावाही अल्पांश, और धारावाही अल्पांश होता है अल्पांश, इसको हम बोलते हैं आई डी एल वेक्टर, धारावाही अल्पांश। जब चालक के अल्पांश को उसमें प्रवाही धारा से गुणा कर देंगे तो ये बन जाता है धारावाही अल्पांश, आई डी एल वेक्टर। तो बायो सावर्ट के नियम में चुंबकीय क्षेत्र का जो स्रोत है वो है धारावाही अल्पांश, जो एक सदिश है, आई डी एल वेक्टर, जो एक सदिश है, इसकी दिशा धारा प्रवाह की दिशा में होगी। जबकि कूलॉम के नियम में आप देखोगे तो यहाँ विद्युत क्षेत्र का जो स्रोत है वो है आवेश, और आवेश एक अदिश राशि, आवेश एक अदिश राशि है। बायो सावर्ट के नियम में चुंबकीय क्षेत्र का जो सोर्स है, स्रोत है, वो है धारावाही अल्पांश, जो एक सदिश राशि है। जब धारावाही चालक के अल्पांश को, अल्पांश लंबाई का अल्पांश डी एल वेक्टर है, उसको धारा से गुणा कर देते हैं तो ये बन जाता है धारावाही अल्पांश, देखिए आई डी एल वेक्टर। जबकि कूलॉम नियम में जो विद्युत क्षेत्र का जो स्रोत है वो है अल्पांश आवेश डी क्यू, जो एक अदिश है, अदिश राशि है, और ये एक सदिश राशि है। दूसरा अंतर देखो इसमें, आप देखो कूलॉम नियम से हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो यहाँ पर कोई थीटा कोण पर निर्भरता, कोई निर्भरता नहीं है। यहाँ पर डी ए वेक्टर है वो या तो आर, अगर पॉजिटिव है तो आर वेक्टर की दिशा में, नेगेटिव होगा तो आर वेक्टर दिशा के विपरीत, लेकिन ऐसा कोई कोण नहीं है, कोण पर निर्भरता नहीं है। जबकि बायो सावर्ट नियम में देखो आप, डीबी डिपेंड कर रहा है धारावाही चालक के अल्पांश से आइडियल वेक्टर और सदिश, स्थिति सदिश आर वेक्टर के मध्य बनने वाले कोण पर डिपेंड कर रहा है। अगर मैंने भी आपको बताया थीटा अगर जीरो होगा तो ये जीरो, थीटा 90 होगा तो मैक्सिमम। इसमें चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के मध्य बनने वाले कोण पर निर्भर करता है, लेकिन कूलॉम नियम में विद्युत क्षेत्र है में इस प्रकार की निर्भरता नहीं पाई जाती है। क्लियर, तो ये इनमें है मेन डिफरेंस। आगे देखिए म्यू नॉट का मात्रक व विमीय सूत्र, अभी बताया था आपको मैंने म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इक्वल टू 10^-7 न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर, या इसको 10^-7 और वेबर पर एम्पियर मीटर, या और बताया था मैंने 10^-7 टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। ठीक है, तो म्यू नॉट इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 4π × 10^-7 और यूनिट आ जाएगी न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर या वेबर पर एम्पियर मीटर या टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। ठीक है, तो इसका यूनिट तो आपको पता लग गई। अब इसका विमीय सूत्र अगर हम निकालेंगे, देखिए यहाँ क्या, न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर, तो न्यूटन के लिए एम एल टी माइनस टू और एम्पियर के लिए ए स्क्वायर, तो अपने पास आ जाएगा एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू। ओके बच्चों, क्लियर, म्यू नॉट इक्वल टू आ गया अपने पास से एम पावर वन एल पावर वन टी पावर माइनस टू ए की पावर माइनस टू। और एक रोचक रिलेशन आपको मैं बता देता हूँ, आपको म्यू नॉट की वैल्यू पता लग गई, एप्सिलॉन नॉट की आपको पता ही है, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये देखिए आपको बताया था मैंने उससे
फर्स्ट चैप्टर में के ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ और यूनिट बताई थी इसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये बताया था। तो म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, अब इस म्यू नॉट को 4 पाई से डिवाइड कर दें और इधर एप्सिलॉन नॉट को 4 पाई से मल्टीप्लाई कर दें। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10⁻⁷, इसकी वैल्यू पुट कर दी बच्चों। और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁻⁹, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/9 × ओके, या इसको यूं भी लिख सकते हैं 1/9 × 10⁻⁙, या इसको यूं भी लिख सकते हैं 3 × 10⁻¹⁰ मीटर पर सेकेंड। ये आते दिमाग में क्लिक करना चाहिए, ये किसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। तो 1/4 आ जाएगा c². अपना रिलेशन क्या आ गया, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/c² और c² इक्वल टू आ जाएगा 1/εnot म्यू नॉट और c इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ओके। और c इक्वल टू यहाँ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल। ओके बच्चों, अपना बायो सावर्ट नियम है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम, हमने अभी पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे इसमें दिशा कैसे ज्ञात करते हैं। परिमाण तो हमने पढ़ लिया था, अब दिशा। तो पहला नियम है इसमें सनों का नियम, देखिए ओरेस्टेड के प्रयोग में हमने डिस्कस किया था कि एक धारावाही चालक तार था PQ और उसके नीचे एक कंपास सुई रखी हुई थी, तो इस कंपास सुई का जो उत्तरी ध्रुव है वो पश्चिम की ओर विक्षेपित हुआ था। तो विक्षेप की दिशा हम कैसे याद करेंगे, यदि किसी धारावाही चालक तार में विद्युत धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही हो, साउथ से नॉर्थ की ओर प्रवाहित हो रही हो और ये अभिष्ट तार कंपास सुई के ऊपर हो, वो का मतलब और ये तार है वो कंपास सुई के ऊपर स्थित हो, तो इस स्थिति में चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव पश्चिम की ओर विक्षेपित होगा। समझ में आ गई बात, इस नियम के अनुसार यदि धारावाही चालक तार में विद्युत धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही हो तथा अभिष्ट तार कंपास सुई के ऊपर स्थित है, तो इस स्थिति में चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव पश्चिम की ओर विक्षेपित होगा, इसे हम कहते हैं सनो का नियम। मतलब साउथ से नॉर्थ, वो का मतलब तार है वो ऊपर है चुंबकीय सुई के और W का मतलब वेस्ट, मतलब इसका उत्तरी ध्रुव है वो वेस्ट की ओर विक्षेपित होगा, क्लियर। सेकंड देखो, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, इस नियम अनुसार किसी सीधे धारावाही चालक तार को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ें, दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ें
कि अंगूठा उस चालक तार में प्रवाह धारा की दिशा को प्रदर्शित करे। तो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। देखिए हमने इस तार ठीक है, ये अपने पास एक धारावाही चालक तार है और इसमें धारा है वो ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। हमने इस तार को इस तरह से पकड़ा, अब इस तार को इस तरह से पकड़ेंगे। देखिए ये तार है और इसमें धारा है वो ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। आपको इसको दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ना है कि अपना अंगूठा धारा प्रवाह की दिशा में, तो मुड़ी हुई अंगुलियाँ हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगे। इसे हम कहते हैं दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। देखिए आप, अब इसको आप यहाँ पकड़ोगे तो यहाँ पकड़ोगे तो यहाँ दो अंगुलियाँ कहाँ जाएंगी, अंदर की ओर कहाँ जाएंगी, तो इधर इसके इस साइड अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालेंगे तो वो आएगी अपनी अंदर की ओर, और अंदर की ओर को क्रॉस से, और ये भी बेहतर। अगर आपसे पूछे इधर कहाँ होगी, तो यहाँ अंगुलियाँ अंदर की ओर जा रही हैं तो यहाँ यह अंगुलियाँ अंदर की ओर जाएंगी, तो यह अंगुलियाँ देखो यह अंदर की ओर जाएंगी तो यहाँ इधर बाहर की ओर, इधर बाहर की ओर होगा तो समझ में आ गया बच्चों। या तार ऐसे हो और उसमें धारा है ना विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है जैसे इधर, तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह रखेंगे तार और अंगूठा धारा की दिशा में, तो अंगुलियाँ इधर अंदर की ओर जा रही हैं और इधर बाहर की ओर आ रही हैं। अंदर की ओर आएंगे तो इधर क्रॉस और इधर लोड। बच्चों क्लियर हुआ? फिर देखो अगर ऐसे हो, देखिए इस तरह से रखेंगे तो अंगुलियाँ इधर नीचे अंदर की ओर और ऊपर, तो अंदर की ओर इधर है तो इधर क्रॉस, इधर ठीक है डॉट डी ओ टी और आउट ओ यू टी, सॉरी दोनों में क्या आ रहा है, दोनों में क्या आ रहा है टी आ रहा है ना, याद रह जाएगा ना। डॉट का मतलब क्या होता है, बाहर की ओर, और क्रॉस का मतलब अंदर की ओर। अगर ऐसे हो तो क्या होगा, इधर इधर अंदर की ओर और इधर, तो अंदर लिखेंगे तो इधर ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपकी चीज क्लियर हो गई होगी, हो गए दोनों नियम क्लियर। आगे देखिए बढ़ती धाराओं के लिए दाहिने हाथ की हथेली का नियम। देखिए ये अपने पास एक धारावाही लूप या कुंडली है और जिसमें धारा आप देख रहे हो इस दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो उस स्थिति में देखिए अंगूठे और अंगुलियां, पहले वाले में मैंने आपको बताया था कि जब चालक है और उसको हमें धारा प्रवाहित हो रही है और उसको हम पकड़ेंगे इस तरह से कि अंगूठा धारा की दिशा और मुड़ी हुई अंगुलियाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, लेकिन इसमें उल्टा हो जाएगा, मुड़ी हुई अंगुलियाँ धारा की दिशा में और अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। देखो ये आपको इस तरह से, ये इस तरह से धारा प्रवाहित हो रही है तो आपको इसको इस तरह से पकड़ना है, इस तरह से पकड़ोगे तो अंगूठा अंगूठा ऊपर की ओर, तो चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा वो हो जाएगा ऊपर की ओर ठीक है। तो दाहिने हाथ की अंगुलियों को इस तरह से मोड़ें, दाहिने हाथ की अंगुलियों को इस तरह से मोड़ें कि मोड़ी हुई अंगुलियां धारावाही वर्ताकार लूप या कुंडली में प्रवाहित धारा की दिशा को इंगित करें। तो अंगूठा उस धारावाही लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। मुड़ी हुई अंगुलियाँ धारा की दिशा में, इस तरह से देखो ये लूप इस तरह से रखा हुआ है, ये
तो इसकी दिशा में, धारक दिशा में अंगुलियों को मोड़ेंगे, अंगूठा ऊपर की ओर, ठीक है। अब जब से अगर मैं दिखा दूँ इस तरह से आपको लूप, अब ये लूप मैंने ऐसे रख दिया गया, इस ग्रीन बोर्ड के तल में रख दिया, और धारा देखिए इसमें प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है क्लॉकवाइज। तो हमें क्या करना है, अंगुलियों को धारा की दिशा में, धारा की दिशा में मोड़ेंगे, अंगूठा अंगूठा अंदर की ओर, तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होगा वो अंदर की ओर। अगर धारा इसमें, अगर धारा इसमें एंटी क्लॉकवाइज प्रवाहित हो तो एंटी क्लॉकवाइज होगी, अंगूठा बाहर की ओर, बाहर की ओर के लिए डॉट, समझ गए। इस नियम के अनुसार दाहिने हाथ की अंगुलियों को इस प्रकार मोड़े कि वो धारावाही लूप, वर्ताकार लूप में प्रवाही धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो सीधा अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए मैक्सवेल का कोर के पेज नियम। इस नियम के अनुसार यदि दक्षिणावर्ती पेज को इस प्रकार घुमाएं कि उसकी नोक चालक तार में प्रवाहित धारा की दिशा में बढ़े, तो इस पेज को घुमाने के लिए अंगूठे को जिस दिशा में घुमाना पड़ेगा वह दिशा चुंबकीय क्षेत्र की होगी। समझ में आई बात, ये अपने पास पेच है, ठीक है, दक्षिणावर्ती पेच है, और इसको हम बढ़ा रहे हैं इसकी नोक धारा की दिशा में, और इसको घुमाने के लिए अंगूठे को जिस दिशा में घुमाना पड़ेगा वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। जैसे देखो आप इसको ऐसे घुमाओगे, तो यहाँ घुमाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा, देखो ये तार है अपने पास ये इस तरह से, आप इसको अगर ऐसे घुमाओगे, इसको घुमाओगे तो ऐसे अंदर की ओर, यहाँ अंदर की ओर होगा, तो यहाँ, समझ में आई बात। जैसे मान लीजिए ये अपने पास है, आप इस पेज क्यों घुमाते हो, जब ये ऐसे घुमाओगे तो पेज अंदर की ओर जाएगा, अंदर की ओर जा रहा है इसका मतलब इसकी जो नोक है वो धारा की दिशा में बढ़ रही है, इस पेज की जो नोक है वो धारा की दिशा में बढ़ रही है, और इस पेज को घुमाने के लिए अंगूठे को जिस दिशा में घुमाना पड़ेगा वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो इसको घुमाने के लिए, पेज को घुमाने के लिए अंगूठा इधर घुमाना पड़ेगा, तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र देखेंगे तो इधर, और इधर देखेंगे तो ऊपर की, ठीक है। यह दक्षिणावर्ती पेज का नियम।